हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकंड, रिमाइनिंग पार्ट, क्लास फोर। आंसर द क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर गॉन टू अ फेयर? क्या आप कभी मेले में गए हैं? आंसर इज यस, आई हैव गॉन टू अ फेयर। सेकेंड, व्हाट डिड यू सी देयर? आपने वहाँ क्या देखा? आंसर इज आई हैव सीन डिफरेंट शॉप एंड थिंग्स। मैंने वहाँ पर अलग अलग दुकानों पर अलग अलग चीज़ें देखी। क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड यू वाई देयर? यानी आपने ये वी वाई की जगह बी यू वाई कर लेना है। वाई माने खरीदना। वेयर, व्हाट डिड यू वाई देयर? आपने वहाँ से क्या खरीदा? ये आंसर में आपने लिखना है कि आई बॉट अ न्यू हॉर्स। मैंने वहाँ से एक नया टॉयज वाला खिलौना, एक हॉर्स खरीदा। हैव यू सीन अ कैटल फेयर? क्या आपने जानवरों का मेला देखा है? यस आई हैव सीन अ कैटल फेयर। हाँ, मैंने एक जानवरों का मेला देखा है। व्हाट इज सोल्ड एंड व्हाट इन अ कैटल फेयर? आपने वहाँ क्या खरीदा और क्या बेचा? आई सोल्ड अ ओल्ड हॉर्स एंड व्हाट अ वाइट हॉर्स। मैंने वहाँ से जो पुराना घोड़ा था उसको बेच दिया और नया घोड़ा खरीद लिया। बी पॉइंट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। वेयर डिड अबू लिव? अबू कहाँ रहता था? देयर आर थ्री ऑप्शंस गिवेन, इराक, बगदाद एंड यूएई। सो वी विल चूज बगदाद, क्योंकि अबू कहाँ रहता था? बगदाद में। नेक्स्ट वन, व्हाट नेम डिड द पासरवाय गिव टू अबू? जो गुजरने वाला था उससे उसने क्या किसके बारे में बात की? उसको जो गुजर रहा था उसने किस नाम से उसको संबोधित किया? किसको? अबू को। जो पासरबाई था, एक राहगीर था चलने वाला, उसने अबू को किस नाम से संबोधित किया? थ्री ऑप्शंस आर स्टूपिड, डंकी एंड डॉग। सो वी विल चूज डंकी। उसने उसको क्या बोला था? गधा बोला था, डंकी बोला था। नंबर थ्री, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू बाय फ्रॉम द फेयर? अबू ने कितने गधे मेले से खरीदे थे? देयर आर थ्री ऑप्शंस, नंबर वन फाइव, सेकंड सिक्स एंड थ्री फोर। सो वी विल चूज फोर, क्योंकि उसने चार गधे खरीदे थे। लास्ट वन, वेयर वाज अबू गोइंग बैक? अबू वापस कहाँ चला गया? देयर आर थ्री ऑप्शंस, नंबर वन होम, नंबर सेकंड मार्केट एंड नंबर थ्री नन। तो वी विल चूज नन। वह कहीं नहीं गया था, रास्ते में ही लगा हुआ था गधों को गिनने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। ये इधर वर्ड दिए हुए हैं कॉलम में, इनमें से हमको चूज करके और इधर भरना है। नंबर वन, वन डे अबू वेंट टू अ ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ हम भर देंगे FAIR फेयर, या फिल कर देंगे FAIR फेयर। फेयर मीन्स मेले में गया था। कहाँ गया था? मेले में। ही कुड ऑल्सो अर्न मनी वाय? वह क्या कर सकता था? गधे के द्वारा पैसे कमा सकता था। सो वी विल चूज डंकीज। डंकीज भर देंगे, डंकी के द्वारा वो पैसे कमा सकता था। ही थॉट दैट ही मस्ट मेक, इसमें हम फिल करेंगे श्योर दैट ऑल हिज। उसने सोचा कि भाई एक बार पक्का कर लेता है कि सभी बाँ उसके साथ गधे हैं कि नहीं। ऑल हिज डंकीज वर देयर, उसके पास हैं या नहीं हैं। नंबर फोर, आफ्टर अ व्हाइल ही, यहाँ हम फिल करेंगे
काउंटेड हिज डंकीज अगेन। थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, फिर से वो उस गधों को वो गिनता है, काउंटेड करता है, तो CUNTED काउंटेड। लास्ट वन, जस्ट एट दैट टाइम अ, यहाँ फिल करेंगे मैन, वाज वॉकिंग ऑन द रोड, उसी समय वहाँ से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वह रोड पर घूम रहा था। नंबर डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही के लिए हमको टू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए हमको एफ लिखना है। सो नंबर वन, अबू वाज अ वाइज मैन, अबू एक बुद्धिमान व्यक्ति था। दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो बुद्धिमान नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत होगा। नंबर टू, ही बॉट फोर मंकीज, उसने चार बंदर खरीदे। ये दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसने चार क्या खरीदे थे, गधे खरीदे थे, सो दिस इज फॉल्स। नंबर थ्री, ही लुक बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, उसने पीछे चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा, तो उसने देखा था, सो यस दिस इज ट्रू। नंबर फोर, ही थॉट दैट ही वुड नेवर काउंट देम, उसने सोचा कि वह कभी नहीं उनको गिन पाएगा, दिस इज फॉल्स। नंबर फाइव, एट लास्ट ही गॉट हिज फोर डंकी, बाद में उसको उसके चारों गधे जो थे वह मिल गए थे, सो दिस इज राइट ट्रू। नंबर सी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हिज नेम वाज, यहाँ फिल करना है हमको अबू, उसका नाम क्या था, अबू, ए वी यू, अबू। सेकंड, ही लुक बिहाइंड द रॉक्स, ROCKS रॉक्स। नंबर थ्री, ही लिव्ड इन बगदाद, BAGHDAD बगदाद। दैट मैन अंडरस्टूड द मैटर, MATER मैटर। लास्ट वन, वंस मोर ही गॉट, एक बार उसने फिर से क्या किया, नीचे उतरा, तो DOWN डाउन, डाउन भर देंगे, नीचे उतरा। नंबर सिक्स, बट वेयर इज द फिफ्थ, पर पांचवा कहाँ था, क्या, डंकी, DONKEY डंकी। उसने पूछा कि लेकिन पांचवा गधा कहाँ है, तो उसमें गधा भरेंगे हम, डंकी। नंबर डी, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, हमको ए वाले कॉलम से बी वाले को मैच करना है। ही बॉट, उसने क्या खरीदा था, फोर डंकी, सो हम लग देंगे फोर्थ की जगह वन बी कॉलम में। इसी तरह से ए कॉलम का सेकंड, ही टर्न्ड, बी कॉलम के किससे में हम मैच करेंगे इसको, अगेन से, ही टर्न्ड अगेन, वो दोबारा से मुड़ा। नंबर थ्री है ए कॉलम में, हिज नेम इज, उसका नाम क्या था, अबू, तो बी कॉलम में हम अबू नंबर थ्री डाल देंगे, इसका दे आर फोर, फोर इसको अराउंड बचा हुआ है तो उसमें कर देंगे उसको अराउंड। ई है एड LY टू द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए उनमें हमको LY इसमें जोड़ देना है। लाउड का लाउडली हो जाएगा, ईजी का ईजीली, एंड श्योर का श्योरली, सर्टेन का सर्टेनली। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अबू, अबू कौन था, अबू वाज अ फूलिश मैन, अबू एक मूर्ख व्यक्ति था। सेकंड, व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम द फेयर, उसने मेले से क्या खरीदा, ही बॉट फोर डंकीज फ्रॉम द फेयर, उसने मेले से चार गधे खरीदे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबू डू ऑन द वे, रास्ते में अबू ने क्या किया, ऑन द वे ही थॉट दैट ही मस्ट मेक श्योर दैट ऑल हिज डंकी वर देयर, उसने रास्ते में सोचा कि उसको ये ठीक से देख लेना चाहिए या पक्का कर लेना चाहिए कि उसके जो गधे हैं वो सभी उसके साथ हैं कि नहीं हैं। नंबर फोर, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू फाइंड व्हेन ही वाज ऑन द डंकी, उसको कितने गधे मिले जब वो गधे पर बैठा हुआ था। ही फाउंड ओनली थ्री डंकीज, उसने सिर्फ तीन गधे ही उसे दिखाई दिए। व्हाट डिड द दैट मैन कॉल अबू द फिफ्थ डंकी,
उस आदमी ने उस अबू को गधा क्यों कहा, पांचवा गधा क्यों बोला? आंसर इज बिकॉज ही डिड नॉट काउंट द डंकी ही सिट्स ऑन इट्स। जिस पर वह बैठता था उस गधे को वो काउंट नहीं करता था, वो गिनता नहीं था, और पीछे वाले गधों की गिनती सिर्फ करता था, इसलिए उस रास्ते में जाने वाले आदमी ने उसको गधा बोला। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आपको ये याद करते रहना है, पढ़ते रहना है। सो थैंक यू।